हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यू दिल्ली से और ओली जाने के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में रूट बताया था लैंसडाउन का, वो भी उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है, छोटा सा, काफ़ी सुंदर जगह है। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग न्यू दिल्ली से ओली चलने का रूट पूरा देखेंगे और समझेंगे हम लोग ओली के बारे में कुछ जानकारियाँ। ओली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस है। ये उत्तराखंड में ही स्थित है, गढ़वाल मंडल में, और आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। दिल्ली के नियर बाय हिल स्टेशंस में से ये भी एक जगह है। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ओली के बारे में। ये एक स्की रिजॉर्ट है, यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट स्की करने के लिए आते हैं। और हिल स्टेशन है ये उत्तराखंड स्टेट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और ये समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी करीब 2500 मीटर। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो ओक ट्रीज से घिरा हुआ है चारों तरफ से। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड GMVNL इसकी टेक केयर करता है इस रिजॉर्ट की, लोकेशन की। और उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर विंटर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन कराता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और उन्हीं को एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं हर साल सर्दियों में। टेम्परेचर यहाँ पर सर्दियों में 2 डिग्री से 10 डिग्री तक रहता है और काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, और गर्मियों में भी 4 डिग्री से 17 डिग्री तक ही जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, आप गर्मियों में भी यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। और सर्दियों में अगर आप स्नो को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है एंजॉय करने के लिए। जो यहाँ पर मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो यहाँ पर एक मैनमेड लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है। एक 4 किलोमीटर लॉन्ग केबल कार है, चेयर लिफ्ट, स्की लिफ्ट, ये तीन जो हैं ये मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। आप जब भी आएँ यहाँ पर घूमने के लिए इन तीन चीज़ को ज़रूर इन्जॉय करें। बेस्ट टाइम थ्रू आउट द ईयर है, आप कभी भी जा सकते हैं, बरसात में ना जाएं क्योंकि लैंडस्लाइड का चांस रहता है, वहाँ पे ख़तरा रहता है। और बाकी आप कभी भी जा सकते हैं, गर्मियों में जाएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप स्नो इन्जॉय करना चाहते हैं, बर्फ़ में खेलना चाहते हैं, स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो आप सर्दियों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जा सकते हैं। अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है देख लेते हैं। आप पर्सनल कार से जा सकते हैं क्योंकि पूरा ही रूट जो है वो रोड का है, ना वहाँ पर प्लेन डायरेक्ट कोई फ्लाइट है वहाँ के लिए, और ना कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स नहीं है वहाँ पे, तो पूरा ही रूट जो है ये रोड का है। तो पर्सनल कार से जाते हैं तो भी अच्छा है, आप टैक्सी कर सकते हैं, बस से भी आप जा सकते हैं, बस का रूट भी है वहाँ पर। ट्रेन से आप जा सकते हैं, ट्रेन पूरा जैसे मैंने बताया ओली तक नहीं जाती है, लेकिन आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ट्रिप को, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, फ्लाइट भी वहाँ तक नहीं जाती है तो उसके लिए भी आपको चेंज करना होगा। अब देख लेते हैं हम कैसे कैसे ओली पहुँचेंगे। तो रोड और फ्लाइट से हम पहले देख लेते हैं। ये जो ट्रिप रहेगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट फेज़ में रहेगा आप ऋषिकेश तक पहुँचेंगे, क्योंकि ऋषिकेश तक फ़्लाइट सर्विस भी मिल जाती है आपको देहरादून तक, उसके पास में ऋषिकेश है 45-46 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और ट्रेन भी ऋषिकेश तक जाती है और बसें तो जाती हैं क्योंकि रोड का रूट तो है ही वहाँ पर। पहले हम देख लेते हैं ऋषिकेश तक कैसे पहुँचेंगे। टोटल डिस्टेंस है ओली तक वो 490 किलोमीटर के करीब है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो कश्मीरी गेट या आनंद विहार ISBT से आपको उत्तराखंड परिवहन निगम की बस मिल जाएगी जो आपको ऋषिकेश तक पहुँचा देगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार होते हुए आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे बहुत आराम से। अगर आपने फ़्लाइट चूज़ की है तो फ़्लाइट से आप दिल्ली या फिर हिंडन एयरपोर्ट से जा सकते हैं, या फिर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो देहरादून में है नियर बाई, और नियर बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप फॉरेन से किसी अदर कंट्री से आ रहे हैं घूमने के लिए तो आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पर ही आना होगा। वहाँ से आपको देहरादून के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। देहरादून पहुँचने के बाद आप 40 किलोमीटर पास में ही है ऋषिकेश, वहाँ पहुँच जाएंगे। न्यू दिल्ली से रोड का जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर का है। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं पूरा रूट टैक्सी से, और पर्सनल कार से तो आप जा ही सकते हैं। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट आपको पर्सनल कार से ही जाना पड़ेगा। अब ऋषिकेश या देहरादून आप ट्रेन से पहुँचना चाहते हैं
उसके लिए आपको न्यू दिल्ली से काफ़ी सारी ट्रेन मिल जाएंगी देहरादून के लिए, और हरिद्वार के लिए ट्रेन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। आप गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद होते हुए, रुड़की होते हुए हरिद्वार पहुंच जाएंगे। रुड़की के लिए डायरेक्ट ट्रेन, सॉरी ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी, हरिद्वार और देहरादून के लिए मिल जाएंगी। तो आप हरिद्वार के लिए ले सकते हैं ट्रेन या देहरादून के लिए ले सकते हैं, फिर वहाँ से आप ऋषिकेश सिटी बस से या फिर नॉर्मल ऑटो से या जो भी वहाँ पर लोकल कन्वेंस है उससे आप जा सकते हैं ऋषिकेश। अब हम पहुँच चुके हैं ट्रेन से भी और फ्लाइट से भी और बस से या टैक्सी से। उसके आगे देखते हैं अब हम लोग, औली जो है ऋषिकेश से 263 किलोमीटर रह जाता है। ऋषिकेश से आपको टूरिस्ट बसेस भी मिल जाती हैं, प्राइवेट बस मिलती हैं, मिनी बस और परिवहन निगम की बसेस भी मिल जाती हैं, ट्रैकर्स भी चलते हैं वहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, जो आपको सूटेबल लगता है उसको आप ले सकते हैं। बसेस ज़्यादातर सुबह के टाइम चलती हैं क्योंकि दिन में बसें चलती हैं, रात में नहीं चलती, तो सुबह चलती हैं और शाम तक वो पहुँचा देती हैं आपको औली तक। ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए, श्रीनगर होते हुए, रुद्रप्रयाग होते हुए, करण प्रयाग होते हुए आप पहुंच जाएंगे जोशीमठ। जो भी आपको साधन मिलेगा वो जोशीमठ तक के लिए ही मिलेगा। जोशीमठ के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, वहाँ का लोकल कन्वेंस लेना होगा वहाँ से, या फिर आप जोशीमठ से 14 किलोमीटर की दूरी है जो आप केबल कार से भी तय कर सकते हैं, और केबल कार के लिए ये डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस बाय रोड है। केबल कार से आप जल्दी पहुँच जाएंगे तो जोशीमठ पहुँच के आप वहाँ से केबल कार यूज़ कर सकते हैं। होटल वगैरह भी आप जोशीमठ में ले सकते हैं क्योंकि औली में आपको कॉस्टली भी मिलेंगे और अवेलेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, बट जोशीमठ में आपको सस्ते होटल्स मिल जाएंगे और वहाँ से अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, और वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है तो आप सुबह जाके शाम को वापस भी आ सकते हैं केबल कार से, क्योंकि केबल कार का जो रूट है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही करीब है। तो इस तरह से आप बाय रोड या बाय पर्सनल कार या बाय टैक्सी या बस जो भी आप यूज़ करेंगे उससे आप औली तक पहुँच गए हैं। कुछ आइटम्स देख लेते हैं जो ट्रिप पर आप जा रहे हैं ले जाने ज़रूरी हैं। स्नो शूज़ ज़रूर ले लें, स्नो बूट बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपने जो जूते पहने हैं ये जूते अगर बर्फ़ के अंदर धंस जाते हैं तो गीले हो जाते हैं, फिर आपका पैर भी भीग जाएगा और ठंडा रहेगा, इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ जब आप पहुँचें तो सबसे पहले आप स्नो बूट्स ख़रीद लें। इतनी सुंदर जगह आप जा रहे हैं घूमने के लिए, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर, तो कैमरा एक अपने साथ ज़रूर कैरी कर लें। स्की डेस्टिनेशन, उसको स्की रिजॉर्ट कहा जाता है, तो अपने साथ स्की अगर ले लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, आप उसको वहाँ एंजॉय कर पाएंगे। वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाती हैं ये रेंट पर, और अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप साथ में लेके जाएं। कुछ वूलन क्लॉथ्स आप ले लें क्योंकि गर्मियों में भी और सर्दियों में तो खैर रहता ही है, गर्मियों में भी शाम के टाइम और सुबह के टाइम ठंडा रहता है तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा रूट बता दिया है, वहाँ के बारे में जानकारी दे दी है, और कुछ ज़रूरी सामान मैंने आपको बता दिए हैं जो लेकर जाने ज़रूरी हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वहाँ घूमने जाएँ तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी ले पाएँ। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि इस तरह के मैं वीडियो डेली डालता रहता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली मैं नई लोकेशंस के बारे में बताता हूँ, आपको उनके बारे में पता चलता रहे कि आप कहाँ घूमने जा सकते हैं और वहाँ जाने का क्या रूट है, क्या इन्फॉर्मेशन है वहाँ की, वो सब आपको मिलती रहे। और प्लीज़ जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके, और मुझे सजेशंस ज़रूर दीजिए ताकि मैं लोकेशंस मुझे पता चल पाएँ किन लोकेशंस के बारे में मैं वीडियो बना पाऊँ, कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई ऐसी लोकेशन है जो आपने कवर की है तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए कमेंट के थ्रू। तो दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।